Hey guys, welcome back to D3. तो कैसे हैं आप लोग? So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ खलनायक और खतरनाक, कुछ खतरनाक से रिलेटेड है, कुछ बनने से रिलेटेड है, लाइक कोई खतरनाक बना है वो भी प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ऑब्वियसली खतरनाक प्राइम मिनिस्टर बने खलनायक। सो ये वीडियो है, समझ गए होंगे कौन बना खलनायक। तो स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो। वो ऐसे लग रहा है कि आप कोई मुझे कोई खुदा हाफिज कर रहे हैं कि जिस तरह हम कल हार गए हैं। मेरे तो जहन में भी नहीं है कि हम कल हार रहे हैं। अच्छा, अहम खबर आपको देते हैं। इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे, काबीना डिवीजन ने मुरासला जारी कर दिया है। हेलो, खबर तो मिल ही चुकी होगी कि कटोरा खान अब पाकिस्तान का मुगले आजम नहीं रहा। पाकिस्तान का ऑफिशियल कटोरा उससे वापस ले लिया गया है। अब 3 महीने बाद जब अगला प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये कटोरा 21 तोपों की सलामी के साथ उस बंदे को दिया जाएगा। क्योंकि भाई पाकिस्तान दुनिया का वो इकलौता मुल्क है जहाँ भीख मांगने के लिए प्रधानमंत्री रखा जाता है जो सच्चे तन मन और चूतियापन से पाकिस्तान की सेवा करता है। बात तो सही है। हालांकि सेवा तो कटोरा खान ने भी बड़ी शिद्दत से की, दूसरे देशों में जाकर भीख भी मांगी और आवाम को नए पाकिस्तान का ख्वाब भी दिखाया। लेकिन इससे पहले बंदा ख्वाब सच साबित करने की सोचता, उससे पहले ही कटोरा खान सरकार खत्म और सरकार गिराने के पीछे कटोरा खान ने साजिश करता करार दिया अमेरिका को। हमें एक अमेरिका ने एक अमेरिका नहीं एक बाहर से मुल्क ने मैं नाम फबला गया। जिनके जरिए ये सारी साजिश हुई है जो यहाँ बैठे हुए हैं। मतलब भाई कल तक जिससे कटोरा लेकर भीख मांगने जाते थे आज उसी को बोल रहे हैं कि सरकार गिराने में अमेरिका की साजिश थी। मतलब बकरा बकरा हजम और बकरी बदम। भाई कटोरा खान से कोई पूछे कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करके अमेरिका को मिलेगा क्या? न ये पोर्की कुछ एक्सपोर्ट करते, न देश की अर्थव्यवस्था ठीक है, न पाकिस्तान में कोई खनिज निकलता, न विश्व में पाकिस्तान की कोई औकात है, तो कोई इनके खिलाफ साजिश करेगा क्यों? कुछ भी, बल्कि ये उल्टा दूसरे देशों में भीख मांगने जरूर पहुंच जाते हैं। भाई पाकिस्तान से संबंध बिगड़ने के बाद अमेरिका भी कह रहा होगा जान छूटी। भाई एक तरफ कटोरा खान समेत उसके मंत्री सरकार गिराने में अमेरिका की साजिश बता रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका का खुलकर नाम लेने में बंदों की गांठ भी फट रही है। अमेरिका पूरी साजिश के पीछे है, तो आप अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं सर। और इसी के साथ कुरैशी कैमरा बंद कर, काट डालूंगा। लेकिन ये बंदे यही नहीं रुके, इनकी सत्ता खतरे में क्या आई, इन्होंने तो अमेरिका के साथ साथ भारत को भी लपेट लिया। इमरान खान को हटाने की साजिश, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जिनकी मुलाकातें हिंदुस्तान के लोगों से ढकी छुपी नहीं है। मतलब भाई ये पाकिस्तान को समझ क्या रहे हैं जो हर देश इनके खिलाफ साजिश करेगा। पहले पोर्कियों तुम ये बताओ, 4 जोड़ी चड्डी बनियान छोड़ कुछ है तेरे पास? भाई मैंने बहुत से कॉमेडियन देखे, लेकिन जो कॉमेडियन कटोरा खान सरकार में है वो दुनिया के किसी देश में नहीं। अब इन बंदों को ही देख लो, ये नजारा है पाकिस्तानी संसद का। ये हम है, ये हमारे पीएम है, अपोजिशन दलील हो गई है। ये क्या है भाई? कटोरा खान ने अपनी सरकार बचाने की हर संभव कोशिश की, अंधाधुंध रैलियां की, संसद में अविश्वास प्रस्ताव रद्द कराया, यहां तक कि अपने सपोर्टर्स से ये अपील तक कर डाली कि वो प्रोटेस्ट करने सड़कों पर उतरे। आपको सबको निकल के बताना चाहिए, दुनिया को पता चले कि जिंदा कौम है। अरे झोपड़ी के ये किसने कह दिया कि मरी हुई कौम है? चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं तो जिंदा कौम ही होगी, कोई ज़ॉम्बी थोड़ी कि मर के भी जिंदा है। भाई कटोरा खान ने अपील क्या की, यूथिया कटोरा खान के सपोर्ट में खंभे पर ही चढ़ गया। अब बस रात होने की देर थी कि सारे के सारे यूथिया कटोरा खान की राह में स्ट्रीट लाइट बने नजर आते। भाई कुछ दिन और रुको, जब तक ये बंदा पाकिस्तान में गृह युद्ध नहीं छेड़ देगा तब तक ये शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि इसके पिछवाड़े समेत मुंह में इतनी तगड़ी बवासीर है कि ये बिना बकचोदी किए अपने आप को रोक नहीं पाता और सत्ता में आने के लिए रोजाना कोई ना कोई बकचोदी पेल ही देता है। कि पहले मुल्क से क्या होता था और हमने 3.5 साल में मुल्क के लिए क्या किया है? मैं बताता हूँ क्या किया है जो पिछली हुकूमतें नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बंदा सऊदी प्रिंस का ड्राइवर बन गया जो पिछली हुकूमतें नहीं बन पाई। आधा देश गिरवी रख दिया जो पिछली हुकूमतें नहीं कर पाई। 3.5 साल में इतना कर्जा ले लिया जितना पिछली हुकूमतें 75 सालों में नहीं ले पाई। पाकिस्तानी संविधान की माँ बहन एक कर दी जो पिछली हुकूमतें नहीं कर पाई।
आप तो पूरी बत्ती से दिखा के हंसियो भाई। मुल्क के लिए कुछ करना धरना तो दूर। अगर कटोरा खान से कोई पूछे कि इन 3.5 सालों में तुमने देश के विकास के नाम पर बनवाया क्या है, तो कटोरा खान, मैंने बनाया है पार्किंग लॉट, पार्क, मेन गेट, टॉयलेट, कब्रिस्तान, दीवारों पे प्लास्टर। भाई कटोरा खान ने 3.5 सालों में लोगों को सिर्फ चूतिया बनाया है, अब बस चीन का पूरी तरह से गुलाम बनाना बाकी है। लेकिन उसके बावजूद भी कटोरा खान का कहना है, प्राइम मिनिस्टर बना मेरा पहला ये था कि कभी आगे से मेरा मुल्क किसी की गुलामी नहीं करेगा। झोपड़ी के अभी तो तुझे ही गुलामी करने से फुर्सत नहीं, अगर कुछ साल सत्ता में और बना रहा तो तेरे साथ आवाम भी गुलामी करेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही है भाई। कटोरा खान इतना बकचोद बंदा है कि सरकार गिरने से पहले कटोरा खान का कहना था कि जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंका जाता मैच का फैसला नहीं होता। और जब बात आखिरी गेंद खेलने की आई तो बंदा गेंद ही ले भागा। और इसी के साथ अब कटोरा खान और उसके मंत्रीगण ने चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, तैयार हो जाओ इमरान खान को वोट देने के लिए। और उधर पाकिस्तानी आवाम, वोट लगाऊंगा, लंडर लगाऊंगा इनके गांड में। भाई पाकिस्तानी सांसद में हुए इस ऐतिहासिक ड्रामे को देखकर लोगों का बस यही कहना था, ये बिक गई है गवर्नमेंट, 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 अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, ये बिक गई है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, ये बिक गई है। सर में दर्द हो गया है तो मेरी हालत कमजोर हो गई, अब बताओ मैं क्या करूं। भाई इस गाने को पूरा सुनने के लिए YouTube पर सर्च करें ट्यूब्रो म्यूजिक, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, फुल मजे की गारंटी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जरूर सुनेंगे वो कमेंट, तो सच में बिक गई है और वो तो चली भी गई है बिक के। हाँ इतना सारा नुकसान करके जो गई है ना, बेचारों को कर्जों में डुबा के गई है, आधी जमीन दिखवा के गई है, लोग इतना कर्जा बाहर से ले लिया है कि 75 साल से किसी ने लिया नहीं था, बट इन्होंने ले लिया, नाम हो गया इनका जी, नाम हो गया। और लेकिन ये जो साजिश की है ना, ये भिगवाने की है अमेरिका और भारत की है, भारत की ही होगी क्योंकि इनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनमें भारत और अमेरिका का ही हाथ होता है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम भारत पता नहीं क्या है यार, जब देखो बेचारे पाकिस्तान के पीछे पड़े रहते हैं। और देखते हैं इसके बाद कौन सी गवर्नमेंट आएगी, और शरीफ हैं शायद जो अब आएंगे इनके बाद, अभी देखते हैं कि वो कैसे होंगे और आवाम उनको कैसे अपनाती है पाकिस्तान की, और वो हमारे लिए मतलब किस तरीके, क्योंकि वो तो कहीं मतलब वो भी यही बोले कि फिर भारत और अमेरिका का हाथ है, क्योंकि जो भी आता है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर उसके बाद यही बोलते हैं। मतलब इससे क्या है कि इससे इफेक्ट पड़ता है पब्लिक पर कि लाइक पाकिस्तान में जिस तरह की पॉलिटिक्स होती है उससे इफेक्ट पड़ता है कि आप पड़ोसी देश की अगर अच्छाई कर रहे हो तो पब्लिक भी अच्छाई करेगी और वहां से रिलेशंस अच्छे बनेंगे। आप वहीं उल्टा उसको कहो कह रहे नहीं ये तो बेकार है तो पब्लिक भी वही चीज करेगी, फिर नाम आता है कि पब्लिक खराब है, वहां की सरकार का नहीं आता कि सरकार खराब है पब्लिक खराब है। तो ये चीज है कि पाकिस्तान का कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो इंडिया की वजह से हुई हैं या यूए की वजह से, अमेरिका की वजह से हुई हैं। और अभी यूएन जो मीटिंग हुई थी इनकी, तो उसमें भी इंडिया के लिए बोला, अरे ये जो प्रॉब्लम्स, मतलब उनको बुराई करनी होती है इंडिया की कि हाँ कहीं भी कैसे भी करके बुराई करनी है, तो ऐसा नहीं होता। वैसे भी इन्होंने कोई तरक्की इतनी कर दी है, बेचारे पाकिस्तान तो जो था वो भी बिल्कुल चला गया, बेचारे कितना इतनी महंगाई है, सब कुछ बेकार कर दिया, इनकम है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, आप हर चीज गिरवी रख रहे हो, पूरी सरकार खराब होती है। कुछ होते हैं हीटर्स भी होते हैं, कुछ सपोर्टर्स भी होते हैं, हर जगह तो मोस्टली मुझे लगता है हेटर ही होंगे इनके लिए, तो ये तो है। हाँ तो फाइनली वीडियो अच्छी थी, खतरनाक प्राइम मिनिस्टर की जो खलनायक बन गए हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और रखिए अपना ख्याल। बाय बाय।